योग गुरु स्वामी रामदेव ने पाकिस्तान की मौजूदा हालत पर बयान देते हुए कहा कि बहुत जल्द पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं। बलूचिस्तान, पीओके और सिंध क्षेत्र का बहुत जल्द भारत में विलय होगा और पाकिस्तान अदना सा देश रह जाएगा। वहीं रामचरितमानस और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर छिड़ी बहस पर रामदेव ने कहा कि देश में रिलीजियस टेररिज्म चल रहा है, जिसका उद्देश्य सनातन संस्कृति को नीचा दिखाना है और ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध करना चाहिए। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में ध्वजारोहण करते हुए स्वामी रामदेव ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। बलूचिस्तान, पीओके और पंजाब ये अलग राष्ट्र बनेंगे, पाकिस्तान एक अदना सा देश रह जाएगा और पीओके का भी भारत में विलय होगा। उसके बाद बलूचिस्तान भी खुद सामने से आकर के कहेगा कि भारतम शरणम गच्छामि, क्योंकि पंजाब, सिंध ये सब हिंद के साथ ही उनके सांस्कृतिक एक रूपता है। तो बहुत जल्दी पाकिस्तान के चार टुकड़े होंगे और पाक अधिकृत कश्मीर का भी भारत में विलय होगा, पंजाब सिंध प्रांत का भी भारत में विलय होगा और बलूचिस्तान का भी हिंदुस्तान में विलय होगा और भारत महाशक्ति बनेगा। यह आने वाले समय की पुकार है और ऐसा होने वाला है। तो दिवस के आज पावन अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को हमारी शुभकामनाएं हैं कि जिन वीरों ने, शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने जिन सपनों के साथ इस देश का निर्माण किया, उसको हमें आगे बढ़ाने के लिए संपूर्ण देशवासियों को प्रयास रहने चाहिए और प्रयास करने चाहिए। और आज का दिन बसंत पंचमी का दिन भी है और बसंत पंचमी क्योंकि उत्सव का, हर्ष का दिन होता है, तो आज दो दो हमारे पावन पर्व हैं। तो गणतंत्र दिवस को वसंत उत्सव की तरह मनाएं क्योंकि वह हमारे जीवन में कल्याण करने वाला है। टीवी 100 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मंदिर दर्शन, बॉलीवुड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, फैक्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।